पहला तो सारियां नूं जी आया आखते हाँ। गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा 20 मई तो शुरू हो करके अज 25 जून हो चुकी है। इस दौरान बहुत बेअंत संगत दर्शन करके चली गई है। मैं उन्हां नूं धन्नवाद करदा उन्हां दा, क्योंकि 3 किलोमीटर तक पैदल रस्ता सी, 3 किलोमीटर पैदल आके ही सारी संगत दर्शन करके गई है। पर अज तो बाद थोड़े ही समय विच गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब तक घोड़ा खच्चर की सुविधा हो जाएगी। बहुत ही जल्दी आप जी नूं घोड़ा खच्चर गोबिंद धाम तो श्री हेमकुंड साहिब तक लेके आएगा। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट पुरजो रही अपने ख्याल च रखता कि संगत नूं कोई परेशानी ना आवे, कोई दिक्कत ना आवे। आप जी नूं यही परेशानी दिक्कत समझते हुए कुछ संगत जिहड़ी बहुत पहलां तों दर्शन कर रही है श्रीनगर स्टे करते होने। श्रीनगर आप जी ने देखा होगा कि उत्थे पार्किंग की जगह घट सी। आप जी ने एक होर खुशी की गल दस दिए, गोबिंद घाट तक आप जी सड़की मार्ग तो आउंदे सी, पर आने वाले समय के करण प्रयाग तक ट्रेन आया करूगी, उहदा कम चल रहा है। इसे लई साध संगत जी श्रीनगर अते करण प्रयाग दे विच विचकार करके हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने एक जगह लई है रतूड़ा करके। आप जी नूं उत्थे पड़ाव वास्ते कार सेवा शुरू हो गई है। जिस टाइम तक ट्रेन चलेगी उस तो पहला पहला आप जी नूं उस स्थान की सुविधा मिल सके। पीटीसी सिमरन तो घर बैठे सारे यात्री, घर बैठे जो भी संगत दर्शन कर रही है, उहदे नीचे अकाउंट नंबर चल रहे हैं। आप जी अपनी किरत कमाई तो दसवंध कट के उत्थे भी अपना हिस्सा पा सकते हो, क्योंकि उत्थे भी कार सेवा चल रही है। जल्दी तो जल्दी आप जी नूं ओ पड़ाओ की भी सुविधा मिल सके। साध संगत जी चरणा च बेनती करते हैं। एक दिन मैं पहला भी संगत के चरणा च बेनती की सी। कुछ संगत दे मैनूं फोन आए हैं कि आप जी ने पहला नहीं दस्या कि रस्ते बिल्कुल ठीक हैं। कुछ शरारती अंसर जड़े हैं वो अफवाह उड़ा देंगे कि हेमकुंड साहिब की यात्रा के रस्ते बंद हैं। आप जी ने देखा ही है सारे रस्ते बहुत बढ़िया बने हुए हैं, तो आने वाले थोड़े से समय के घोड़ा भी उपर आ जाएगा। आप जी इन अफवाहों तो गुरेज करते हुए हुम हुम आके दर्शन करने आओ। जो संगत पहला आ चुकी है आप जी ने देखा होगा इतने बर्फ बहुत सी, जगह थोड़ी सी, इस करके वो संगत भी बहुत आई है, पर इस वक्त कोई दिक्कत नहीं रही। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के विच भी जगह बहुत खुली हो गई है। जिनी भी संगत आ सकते बेझिझक हो करके हेमकुंड साहिब जी के दर्शन कर आ सकती है। आप जी चरणों में यही बेनती है, अफवाहों तो बच के गुरु साहिब के दर्शन करो और खुशियां प्राप्त करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।